हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज हम देखेंगे ये वाला स्टिच निटिंग में। बहुत ही आसान सा स्टिच है, इसको हम हैरिंग बोन स्टिच कहा जाता है। तो इस स्टिच बहुत टाइट बनता है, तो इस स्टिच को आप ऊन से किसी भी ऊन लीजिए, थोड़ा सा मोटा सिलाइयों से आप बनाओगे तो ही आप थोड़ा सा ढीला बनेगा। अगर आप बेबी ब्लैंकेट वगैरह बनाना चाहते हो तो पतला थीन या पतले नीडल से बनाइएगा। अगर आपको ड्रेसेस या कैप में यूज करना है इस स्टिच को, या कार्डिगन में स्वेटर में यूज करना है, तो ये आपको थोड़ा सा मोटे वाले सिलाइयों से यूज कीजिएगा, ताकि वो थोड़ा सा ढीला बने। यहाँ पे मैं देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल ऊल लेके मैंने अभी लगाया हुआ है 9 नंबर का ऊल। जब मैंने 9 नंबर के नीडल, यहाँ पे जब मैंने 10 नंबर के नीडल लगा के ये बनाया, तो इतना आपको यहाँ पे टाइटनेस दिख रहा है। ये बेबी ब्लैंकेट के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ढीला चाहते हो तो मोटा वाला सिलाइया यूज कीजिएगा इसके लिए। इसके लिए डालने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे। जितने भी डालो आप 2 के मल्टीपल में डाल, 2 मल्टीपल ऑफ 2s डालते जाइएगा। एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे सिंगल कलर से कैसे करेंगे, डबल कलर से कैसे करेंगे, एंड अल्टरनेट डबल कलर से कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फंदे आप कितने भी डालिए, यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाले हुए हैं। तो ये हर टाइम स्टिच के, इसको हम फ्रंट जो है, यहाँ पे हमें फ्रंट लूप कहते हैं, बैक को बैक लूप। यहाँ पे बैक साइड जो हमें स्टिच दिख रहा है उसको हम बैक लूप कहते हैं। तो इस स्टिच को हमें बुनना है ओनली बैक लूप से, और सीधी सिलाइयों का ये निट स्टिच का एक पैटर्न है। तो ये दोनों सिलाइयों को हम साथ में ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, बैक लूप से हम इस तरह से दोनों सिलाइयों को लेंगे और दोनों को साथ में बुन लेंगे। बैक लूप से ये सीधी बुनाई हो गई, लेकिन हमें जो इन दोनों में से, हर टाइम 2 के ग्रुप में ये बुने जाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट स्टिच, अकेला फर्स्ट स्टिच ही हमें इसको उतारेंगे, ड्रॉप करेंगे। सेकेंड स्टिच सिलाई पे वैसे ही रहेगा। अगेन हमें जो हमने ये वाला फर्स्ट वाला स्टिच, अगेन सेकेंड वाला स्टिच, दो दो स्टिच को हम साथ में बुनेंगे इस तरह से बैक लूप से। एंड दोनों को साथ में इस तरह से बुन लिया। अगेन फ्रंट स्टिच, पहला स्टिच को ही हमने उतारेंगे, ये सेकेंड स्टिच को नहीं उतारेंगे। तो हर टाइम हमें बैक लूप से नीट टू टुगेदर करना है, दोनों को बैक लूप से हमें सीधी बुनाई करनी है, लेकिन हमें निकालते टाइम ओनली फ्रंट स्टिच को, एक ही स्टिच को हमें निकालना है, दूसरा स्टिच को नहीं निकालना है। तो आप इसी तरह से ये आपको करते जाना है एंड तक। अगेन ये फर्स्ट स्टिच एंड सेकेंड स्टिच इस तरह से लेना है, दोनों साथ में मिल बुन के फर्स्ट स्टिच को ही हमें उतारना है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड रो से शुरू होता है, ये राइट साइड का फर्स्ट रो है। तो ये इस तरह से हम पूरा राइट साइड रो कंप्लीट करेंगे। सीधे बुनते बुनते हुए यहाँ पे लास्ट 2 स्टिचेस बचे हैं, तो लास्ट 2 स्टिचेस को भी हम इसी तरह से बैक लूप से बुन लेंगे। एक उतार लिया, तो लास्ट जो स्टिच है उसको हम बैक लूप से सीधा अकेले बुन लेंगे। ये हो गया सीधा रो। हमेशा इसको मोटे सिलाइयों से और थोड़ा ढीला ही इसको बुनिए, लूज बुनिएगा। एंड अब रॉन्ग साइड पे हैं हम। रॉन्ग साइड पे भी हमें सेम उसी तरह, लेकिन पर्ल करना है, पर्ल से उल्टी बुनाई करनी है 2 को मिला के। रॉन्ग साइड में हमने पर्ल्स वाइज इस तरह से 2 मिला के इस तरह से नीडल डालेंगे और दोनों को साथ में उल्टा बुन लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें फर्स्ट स्टिच ही उतारना है। फिर अगेन ये वाला एंड सेकेंड वाला, दोनों साथ में उल्टा नीडल डालेंगे फ्रंट लूप से एंड एक ही उतारेंगे। अगेन 2 को फ्रंट लूप से साथ में उल्टा बुना,
और एक ही उतारा, ये हो गया रॉन्ग साइड। इस तरह से नाइन, इस तरह से आपको फ्रंट लूप से पर्ल टू टुगेदर फ्रॉम फ्रंट लूप एंड ड्रॉप ओनली फर्स्ट स्टिच आप कह सकते हो इसको। देखिए दोनों को साथ में फ्रंट लूप से हम बुनेंगे, लेकिन ड्रॉप हमें फर्स्ट स्टिच को ही करना है, सेकंड स्टिच को नहीं करना है, एंड तक हमें यही करना है। एंड तक हम बुनते बुनते हुए लास्ट एक स्टिच बचा हुआ है, तो लास्ट एक स्टिच को हम उल्टा इस तरह से हमने बुन लिया। तो इसी तरह यही दो रोज को आपको रिपीट करते हुए जाना है। ये कुछ रोज आप बुनने के बाद आपको इस तरह का एक टेक्सचर मिलेगा। अगर आप दो कलर में बुनना चाहोगे तो नेक्स्ट रो 192 अगेन आपको दूसरे कलर से बुनना होगा। अगर यहाँ पे दूसरा कलर हमें अटैच करना है तो हमने यहाँ पे दूसरा कलर स्टिक कर लिया, इसको गांठ मार लिया है एंड अगेन हमें सेम प्रोसीजर दूसरे कलर से। तो इस तरह से हमें, तो यहाँ पे इस तरह से रेड कलर हमने अटैच कर लिया है, सेम प्रोसीजर हम दूसरे कलर से कंटिन्यू करेंगे। एक ही निट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, इस तरह से साथ में हमने बुन लिया और ये फ्रंट एक ही स्टिच को उतारेंगे। अगेन नीट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, इस तरह से अगेन एक ही को हम ड्रॉप करेंगे, नीट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। इस पैटर्न का रिटर्न इंस्ट्रक्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो। इस तरह से एक ही को हमें ड्रॉप करना है हर टाइम बैक लूप से, नीट टू टुगेदर दोनों को एक साथ हमें बैक लूप से बुनना है एंड ओनली फ्रंट स्टिच को ही, एक ही स्टिच को हमें ड्रॉप करना है। तो यही प्रोसीजर हम एंड तक करेंगे। इसी तरह सीधा बुनते बुनते हुए लास्ट एक स्टिच बचा हुआ है, ये लास्ट एक स्टिच को भी हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। जैसे हमने रो वन एंड टू किया था उसी तरह से हमें सेकेंड कलर से भी रो वन एंड टू रिपीट करते हुए जाना है। अगेन हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, सेम कलर से सेकेंड कलर, कलर बी से हम पर्ल स्टिच दोनों को मिला के उल्टा बुनेंगे, लेकिन हमें एक ही स्टिच को ड्रॉप करना है। अगेन दोनों को मिला के बुनना है उल्टा फ्रॉम फ्रंट लूप और एक ही को हमें ड्रॉप करना है। अगेन पर्ल टू टुगेदर फ्रॉम फ्रंट लूप, एक ही को ड्रॉप ओनली वन स्टिच फ्रंट स्टिच। तो हमें एक ही स्टिच को हमें ड्रॉप करना है। तो इस तरह से ये एंड तक एंड लास्ट वन जो स्टिच बचता है उसको भी हमें उल्टा बुन लेना है। तो अल्टरनेट कलर हम कुछ रोज डालने के बाद आपको पैटर्न इस तरह से लगेगा। ये फ्रंट साइड सिंगल कलर में, फ्रंट साइड दो कलर में अल्टरनेट रोज अगर डालोगे यही टू रोज, तो एंड बैक साइड आपको इस तरह से ये नजर आएगा। अगर आप यही अल्टरनेट कलर आपको अल्टरनेट स्टिच में डालना होगा तो कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे आज। ये हमने बेस कलर एक हमने डाला था तो उसके ऊपर हमें अल्टरनेट कलर डालना है। तो सेम हमें दोनों एट ए टाइम रनिंग में रहेंगे दोनों कलर। तो हमें ये बैक लूप से डाला, फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे ये ब्लू वाला, तो उसके ऊपर हमें स्टार्ट करना होगा रेड कलर से। जो फर्स्ट कलर होगा उसके अपोजिट में हम ऊपर का कलर लेंगे। तो हमने रेड कलर से फर्स्ट स्टिच बुना और एक स्टिच को उतारा। नेक्स्ट फिर हमने इंसर्ट किया बैक दो स्टिच में। अब रेड, फर्स्ट हमने रेड रेड उल से बुना था, नेक्स्ट हम लेंगे ब्लू उल
तो अल्टरनेट हम ऊल कलर चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लू हो गया है, अब नेक्स्ट हम रेड कलर लेंगे। हर टाइम आपको इस तरह से क्रॉस कीजिएगा ऊन को, एक के ऊपर एक ऊन लीजिए, रेड ऊन। प्रोसीजर वही रहेगा, ओनली हम अल्टरनेट कलर चेंज कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे रेड लिया था, तो अब हम ब्लू लेंगे। फिर हमने एक ही उतारना है, यहाँ पे ब्लू लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम निट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, अब रेड लेंगे। तो इस तरह से हम अल्टरनेट कलर, आप चाहे तो यहाँ पे दो दो कलर, एक एक दो दो स्टिच एक एक कलर में भी कर सकते हो, जैसे आप कलर चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अल्टरनेट कलर इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से हम एंड तक जो कलर है उसके नेक्स्ट दूसरा कलर हम लेंगे। एक बार रेड और एक बार ब्लू। तो यही हमें इस तरह से आपको अल्टरनेट कलर ये रो में कंप्लीट कर लूंगी। यही हम रिपीट करते हुए एंड तक आ गए हैं। ये हम ब्लू आ गया है, तो लास्ट स्टिच हम रेड से करेंगे। तो जो भी है अल्टरनेट स्टिच, ये सीधा रो कंप्लीट हो गया है। अब रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में भी हम सेम प्रोसीजर पर्ल टू टुगेदर फ्रॉम फ्रंट लूप करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे रेड का ऊन। अब जब हम दोनों मिला के इस तरह से डालेंगे, अब रेड ऊन है तो उसकी जगह पे हम ब्लू ऊन लगाएंगे। तो ब्लू ऊन से हमने पर्ल टू टुगेदर एंड ये फर्स्ट स्टिच ही हम उतारेंगे, सेकेंड स्टिच नहीं उतारेंगे। फर्स्ट हमने ब्लू ऊन लिया, अब हम रेड ऊन लेंगे। अब नेक्स्ट पर्ल टू टुगेदर, लेकिन इस बार हम रेड ऊन से करेंगे, तो बुनेंगे तो नेक्स्ट ब्लू रेड आ गया। तो नेक्स्ट हम ब्लू ऊन लेंगे, फिर पर्ल टू टुगेदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेड ऊन है, तो नेक्स्ट स्टिच हमें ब्लू ऊन का चाहिए, तो ब्लू ऊन लेंगे। नेक्स्ट पर्ल टू टुगेदर, ब्लू ऊन ले किया था, अब नेक्स्ट हम रेड ऊन ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो कलर आता है वो हम अल्टरनेट कलर्स लेते जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो राइट नीडल में अभी रेड ऊन है, तो नेक्स्ट हमें लेना है ब्लू ऊन। और एक ही उतारेंगे हम, प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन हमें ऊन का ही चेंज करना है। तो अब यहाँ पे ब्लू ऊन पे एंड ही आता, तो अभी रेड ऊन लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से आप दो कलर पे आप कर सकते हो, तो जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये हेरिंग बोन स्टिच मल्टीपल ऑफ टू में आप स्टिच डालिए एंड टू रोज रिपीट करते जाइएगा। चाहे आप सिंगल कलर, डबल कलर या अल्टरनेट डबल कलर आप डाल सकते हो। तो ये रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हम ये अल्टरनेट रिपीट करते हुए लास्ट यहाँ पे रेड ऊल है, तो लास्ट को एक स्टिच को भी हम उल्टा बुनेंगे। रेड का अपोजिट अभी हमें ग्रीन लेना होगा, तो ग्रीन से हम लास्ट को उल्टा बुन लेंगे। यही दो स्टिचेस हम रिपीट करते हुए जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टिच जो है ब्लू है, ग्रीन कलर है, तो हमें यहाँ पे रेड से स्टार्ट करना होगा। तो हम रेड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एज यूजुअल अपोजिट अभी रेड हो गया है, तो नेक्स्ट हम ग्रीन लेंगे। तो इस तरह से
नेक्स्ट हम अब ग्रीन लेंगे। ग्रीन लेके एक स्टिच को निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट रेड को लेंगे। तो जो फर्स्ट स्टिच का कलर होगा उसका अपोजिट से आप स्टार्ट करेंगे एंड उसी तरह से अल्टरनेट कलर से आप कंटिन्यू करते जाओगे। तो कुछ रोज में इसी तरह से आपको बुन के दिखाती हूँ। तो ये है हेरिंग बोन पैटर्न। निटिंग में बहुत ही आसान सा पैटर्न है। अगर आप सिंगल कलर में डालोगे तो इस तरह से लगेगा, अगर आप अल्टरनेट रोज डबल कलर में डालोगे तो इस तरह से लगेगा एंड अगर आप अल्टरनेट स्टिच डबल कलर में डालोगे तो आपको इस तरह से लगेगा। तो जरूर ये ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स एंड ये बेबी ब्लैंकेट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से एंड बॉर्डर्स के लिए अच्छा रहेगा एंड जेंट्स कार्डिगन के लिए। लेकिन आपको मोटी सिलाई यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ही थिक टेक्सचर वाला ये एक पैटर्न है। तो ये बैक साइड आपको कुछ इस तरह से लगेंगे ये पैटर्न एंड ये फ्रंट साइड है। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, मल्टीपल ऑफ टू एंड टू रोज का पैटर्न आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बेल का आइकॉन जो है उसको भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोज अपलोड होने के बाद नोटिफाई हो सके एंड विदाउट मिसिंग आप देख पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।